हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए स्ट्रीम हाईलाइट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग दिखाने वाले हैं कि जो हमारा लास्ट इलिट का जो फाइट हुआ था सैटरडे और संडे वाला, उसमें फाइनल में काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिली हम लोगों को। तो मैं उसका एक हाईलाइट बना रहा हूँ, तो आप एंड तक देखो यार। एंड में कत्ते जहर वाली फाइट हुई है, आप लोग को पक्का मज़ा आएगा ये फाइट देख के। और अगर आप भी अगर हमारे इलीट में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। हर सैटरडे को एक इलीट कस्टम हमारे तरफ से, हमारे चैनल के तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं बता दूं, ये कोई प्राइज मनी मतलब नहीं होता है इसमें, जस्ट फॉर प्रैक्टिस होता है। और आप काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो इलीट में पार्टिसिपेट करके। चलो अब इंजॉय करो आप लोग गेम प्ले। अमन भाई वापस मैं आओ। हाँ लाइट सुल भाई, बताओ ना ब्रो, स्लॉट कैसे मिलेगा? डिफ्यूज मैडी क्या फ्लाइंग कर चुका है। देखो देखो मैडी क्या फ्लाइंग देखा कर चुका देखा, है, यहाँ पे देख लिया हरकुलिस। अरे डाउन कर दिया देख यहाँ पे लिया सारे है। के। अभी कुछ करना ही पड़ेगा इनको। यहाँ पे तो ना फिर अगर ये टीआर की टीम अगर पुश नहीं करती है तो वो अपने एक बंदे को खो देंगे। ब्रो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड पे ही तो ना हमारा फिर रजिस्ट्रेशन होता है। ना फिर प्लान कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे गॉड की दोनों महादेव और गॉड स्टैनली भी पुश कर चुके हैं, मैडी को ख़त्म करेंगे। यस कैलिबर डाउन, यहाँ पे दो बंदे डाउन हैं और डाउन किया, ख़त्म किया। टीआर किंग ओपी यहाँ पे पुश कर चुका है। ये लोग धीरे धीरे करके अकेला अकेले आगे आ रहे और ख़त्म होके जा रहे। आई ज्वाइन द डिस्कॉर्ड ब्रो बट आई डोंट नो हाउ टू गेट द स्लॉट। नेक्स्ट वीक के लिए रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगी, तब स्लॉट मिलेगी ब्रो। नेक्स्ट वीक के लिए रजिस्टर कर लो। अभी नहीं होगा, वो थर्सडे से स्टार्ट होगा। टीआर सोना है हरकुलिस के नीचे फिलहाल, उजी लेके। और स्मिथ भाई देखो ना, कहीं पे फाइट नहीं हो रही है, यहाँ पे फाइट हो रही है, नहीं सात अभी नंबर नहीं तीन देख नंबर रहे में हैं। फाइट हो रही है वो लोग फाइट कर रहे हैं क्या? ऑब्वियसली। यहाँ पे बीस्ट हाँ की फाइट टीम कर रहे और हैं। डब्ल्यू ओ डी की टीम, मैं जहाँ देख रहा हूँ वहीं पर, अगर आप भी देखोगे तो फिर तो फायदा नहीं है ना। कोचिंग के मैं पूछ सकता किंग को यहाँ खतरा पे डाल बीस्ट और जोन के नहीं, बाहर सोना फाइट को कर दे रही है दिया, डब्ल्यू ओ डी को। सोना को दे दिया, सोना अकेले ब्लॉक कर बचे क्या? दिया। हाँ किंग किंग ओपी ओपी अकेला बचा अकेला है, बचा है। सोना को दे दिया। किंग ओपी की टीम पूरी डाउन है फिलहाल, अब किसको आओगे, किस्तों में जाओगे? फिलहाल और फाइट तो यहीं पे हो रहा है 7-3 में। ये लोग जोन के बाहर फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा नेट, बीस्ट नवीन के नेट से लूसीफर डाउन हो चुके हैं। और यहाँ पे घोष डैमेज दिए, काफ़ी डैमेज दिए ईवो को, जो ईवो काफ़ी अच्छा खेलता है यहाँ पर। और यहाँ पे ईवो डाउन हो चुके हैं, विक का हल्क डाउन है, लेथल का एक ने एक और बंदे को डाउन किया। और यहाँ पे और अकेले बचे हैं विक्रम, और वहाँ पे कितनी टीम है, ख़त्म किया। और यहाँ पर बीस्ट की पूरी टीम ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे पूरी टीम रिवाइव हो जाएगी अगर ये सही से रिवाइव देता है तो। लूसीफर दोनों रिवाइव होगा, यस रिवाइव हो जाएगा। अरे वाह, गॉड की टीम को पूरा मार दिया यहाँ पे किंग ओपी ने। नाम क्या है? अरे नाइस, यहाँ पे शैतान ने राज मेरा को कलिक कार 98 से डाउन किया, हंटर राज को, एक टीम को डाउन करके। और यहाँ पे पूरी टीम निकल चुकी है पुश करने के लिए शायद, यस पूरी टीम निकल चुकी है यहाँ पे पुश करने के लिए। बहुत अच्छे खेल रहे हैं। राइट फ्लैंक मार रही है, हंटर राज यहाँ रिवाइव हो गया, हिल कर लिए। और डीओडी की टीम यहाँ से क्लोज इन करके, हाँ डिले करके रखा है। निंजा निंजा को डैमेज पड़ी यहाँ पे, निंजा
निंजा ने मारा, सॉरी डैमेज देने का कोशिश किया। सूरज क्या कर रहे हैं फिलहाल? पूरी क्लोजिंग हो चुकी है, डार्क सोल ने डाउन किया यहाँ पे। निंजा अपने बंदे को मारने की कोशिश कर रहा है शायद। यहाँ सैम को देखा और यहाँ पे डाउन, अकेले बचे साइलेंट हंटर, साइलेंट विथ एसकेएस, एसकेएस चला रहे बैक वे, बैक होके शायद इनके टीम ने इनको कॉल दिया है निकलने के लिए। सदा भी हम म्यूट हो जाओ। यहाँ पे काफी डैमेज दिया सैम ने, नहीं निकलने नहीं देंगे भैया डीओडी की टीम, अभी तो निकलने नहीं देगी। कल के काफी तावड़तोड़ परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे पूरा फुल जोश में है डीओडी की टीम। यहाँ पे कौन सी टीम है, पांच नंबर और एक नंबर में फाइट होता हुआ, एक बंदा डाउन है, नहीं दो बंदे मर्सी डाउन है और टॉक्सिक यहाँ से निकलता हुआ। यस टॉक्सिक निकल गया यहाँ से। यहाँ पे बीजेड की टीम की हालत ख़राब और यहाँ निखिल भैया शॉट ले रहे टॉक्सिक के ऊपर और निकल लिए। यहाँ पे 13 नंबर और 6 नंबर में फाइट हो रहा है फिलहाल। ये क्या हो रहा है, सिक्स कार फाइट हो रही है, WTF वर्सेस LT की टीम। यहाँ पे LT की टीम मतलब ये शायद युगा भाई की टीम है। यस युगा भाई की टीम है, रेकुजा ऐसे ही कुछ नाम था उनका। और यहाँ पे कार ब्लास्ट होने के सिचुएशन पे है। यहाँ DOD की टीम वर्सेस WTF और LT की टीम भी यहीं पे है फिलहाल। और यहाँ पे शैतान को काफ़ी डैमेज पड़ा है शायद। ये किसने डैमेज दिया, डेंजर भैया ने अपना, किस टीम को बोले, TR वालों को। TR में तो एक ही बंदा बचा है, वो है किंग ओपी। पाजू यहाँ डाउन है, पाजू डाउन है, पाजू को डाउन किसने किया। और यहाँ पे थर्ड एक और टीम आ चुकी है, 1947 किशु की टीम यहाँ पे घुस चुकी है। और भैया ये क्या हुआ, खत्म किया डेंजर को भाई। WTF की टीम यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गई पूरी। किशु की टीम आके पूरी लपेट गई। और यहाँ पे युगा भाई काफी नजदीक आ चुके हैं। खेलूंगा मैं, खेलो खेलो। ये शायद गलती डिसीजन लिया युगा भाई ने सामने आके। किशु डाउन है यहाँ पे, खत्म किया शैतान ने पूरी भसड़ मचती हुई। यहाँ पे पूरा भसड़ मचती हुई, युगा अकेले हैं फिलहाल और उनकी पूरी टीम रोड क्रॉस्ड है। और वो गाड़ी लेके निकल गई यहाँ पे अपने टीम के पास, उनकी गाड़ी लेके उनके सामने से निकल गई टीम। यहाँ पे इंसोमनिक पुश कर चुका है। यहाँ पे सैम डाउन है, शैतान भी डाउन है, दो बंदे डाउन है यहाँ पे। यहाँ एम बॉट क्या कर रहा है, यहाँ डार्क सोल रिवाइव देंगे क्या? अगर ये टीम पुश करती ना वहां पे DOD की टीम पे तो बहुत जबरदस्त हो जाता है डिसीजन इनका। यहाँ पे जोन काफी छोटा हो चुका है। यहाँ पे टॉक्सिक किसी के ऊपर शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं किसके ऊपर। अच्छा BZ के ऊपर शॉट्स ले रही है यहाँ पे टीम टॉक्सिक। यहाँ पे डैमेज पड़ा रिकू को, अगर नॉक होते तो वहीं पे खत्म भी हो गए रिकू। यहाँ पे खत्म। यहाँ पे क्या फाइट चल रहा है, TR ओपी फ्लैश ओपी ने एक को डाउन किया। किस टीम के साथ फाइट चल रही है, सात नंबर वाली टीम के साथ फाइट चल रही है TR की टीम की। ये किसको मार रहा है, अरे यहाँ पे सभी टीम के साथ सबकी टीम की फाइट हो रही है। सात नंबर भी फाइट ले रही है पांच नंबर के साथ, और पांच नंबर का
शायद अकेला बंदा बचा है जिसको भी खत्म कर दिया विक्रम ने यहाँ पे विथ ओम की बुलेट। यहाँ दो नंबर और 13 नंबर में फाइट क्लोजिंग हो चुकी है दो नंबर की टीम, और 13 नंबर का अकेला बंदा निकल लिया। 13 का एलटी, ये यहाँ पे गाड़ी गाड़ी जाते हुए सामने, एलटी का एक बंदा डाउन है और युगा भाई भी डाउन हो गए। यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सब चल रहा है, रेज ओपी अकेले बचे हैं, जोन के बाहर है फिलहाल। और उनके सामने से टीआर की टीम के सामने से निकलते हुए एलटी चैलेंज देते हुए शायद, यहाँ आज यस की टीम काफी अच्छा खेलते हुए, और ये डीओडी के सामने वापस आके रुक चुकी है एलटी का बंदा, और अपने आप को हील अप करते हुए। टॉक्सिक वहाँ पे शायद खतरे में पड़ेंगे अगर यहाँ पे ख़त्म किया इंसोमनिक ने एलटी के बंदे को, और वहाँ पे पूरी टीम युगा भाई की पूरी टीम डाउन हो चुकी है। टॉक्सिक को किसी ने स्पॉट नहीं किया है, अगर टॉक्सिक यहाँ पीछे से आके मारते तो, बट उनको भी मार दिया जाता। अरे स्पीड, थैंक यू ब्रो। यहाँ पे 7 नंबर अभी फिलहाल देख रहे हो, इतने छोटे जोन में 6 टीम अलाइव है, जो कि है टॉक्सिक की टीम, टॉक्सिक मतलब ये बीजेड की टीम एक है, और एक दो टीआर की टीम है जो किंग ओपी अकेले वहाँ पे गॉड की टीम को स्वाइप आउट करके आई थी, और यस की टीम टीआर की एक और टीम है जो यस की टीम है। यहाँ पे डब्ल्यूओडी की टीम पूरी आ रही है धीरे धीरे अंदर जोन की तरफ, और 1947 किशु की टीम, यहाँ पे फाइट हो रही है, एम बॉट के ऊपर शॉट लिया जा रहा है विक्रम की तरफ से। यहाँ पे फ्रीक डाउन, 1947 फ्रीक डाउन है यहाँ पे, यहाँ पे स्मोक कर रहे हैं एम बॉट, बट यहाँ डीओडी की टीम ने खत्म कर दिया है फ्रीक को। नॉट मैक्स और एम बॉट अकेले बचे डीओडी से फाइट ले रहे हैं जो, और यहाँ पे एक बंदा डाउन है टीआर का, यहाँ पे टीआर वर्सेस टीआर होगा आई थिंक। टॉक्सिक क्या कर रहा है, अकेले वो डाउन डाउन एरिया में है, ऊपर भी नहीं आ पा रहा है, तो अगर जोन बनती है यहाँ पे तो टॉक्सिक के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और विक्रम ऊपर में डाउन है 7 VM, नॉट मैक्स के साथ फाइट यहाँ पे, डीओडी के साथ फाइट चलती हुई। यहाँ पे शायद पानी का आवाज से स्पॉट कर लिया टॉक्सिक को और खत्म किया इम्बॉट ने। वहां पे रिवाइव मिल चुका है 7 VM को, और जोन काफी छोटा है, अभी भी 5 टीम अलाइव है जॉर्जियोपुल क्रेट्स के वहां पे। यहाँ पे किंग ओपी को खत्म किया डब्ल्यूओडी की टीम ने, ये ऐसे ही गेम तो भाई स्पेक्टेट करने में भी मजा आता है। क्या लगता है किंग ओपी जीत पाएगा? किंग ओपी तो खत्म कर दिया डब्ल्यूओडी की टीम ने। यहाँ पे नॉट मैक्स और डब्ल्यूओडी की टीम में फाइट होगी अभी फिलहाल, जहाँ तक लगता है लूसीफर ने और नॉट मैक्स ने एक दूसरे को स्पॉट कर लिया। यहाँ पे नेट से डैमेज खाते हुए नॉट मैक्स, जो थी शायद डीओडी की तरफ से वो नेड। यहाँ पे अभी भी 4 टीम अलाइव है, जो कि है WOD की, 1947 की, और DOD की, और TR की टीम, और वहाँ से भी स्पैम हो रहा है WOD की तरफ, TR की तरफ से WOD पे ग्रेनेड का स्मोक कर दिया है पूरा। यहाँ पे बीच में जोन में निकलना है, और जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, और यहाँ पे सक्षम रहे TR की टीम जोन में आने के लिए से। और क्या हमको हिल, यहाँ पे नॉटमैक्स डाउन है, और यहाँ एम बॉट पुश करता हुआ यहाँ पे विक्रम ने स्पॉट किया और ख़त्म किया
1947 की पूरी टीम वाइप आउट हो चुकी है। किससे? डीओडी की तरफ से? नहीं, ये आज दो बंदे बचे हैं। यहाँ पे दो बंदे डाउन है, टीआर के यस ओपी डाउन है और इक्का ओपी बचे हैं अकेले फ्लैश, जो कि रिवाइव दे रहे हैं अपने टीममेट्स को। यहाँ पे लूसीफर ने पुश कर दिया है और वह सोमनिक को भी ख़त्म कर दिया टीम ने। और यहाँ डीओडी की डार्क सोल ने यस के ऊपर पुश किया और ख़त्म किया। और यहाँ पे डार्क सोल भी डाउन है। अरे भैया क्या ही मैच चल रहा है, अकेले बचे हैं सैम और यहाँ फ्लैश ओपी। फ्लैश ओपी की टीम खत्म, ये इसकी टीम खत्म टीआर की। और यहाँ पे सैम दे रहे रिवाइव शैतान को और सामने है ईवो पूरी डब्ल्यूओडी की टीम। और यहाँ पे ईवो ने पुश कर दिया है और स्पॉट कर लिया और ख़त्म किया डब्ल्यूओडी ने यहाँ पे विन के साथ। काफ़ी सही गेम प्ले दिखाते हुए यहाँ पे डब्ल्यूओडी की टीम। और चार चार आठ आठ तीन ग्यारह पाँच 16 किल्स लिए हैं यहाँ पे डब्ल्यूओडी की टीम विथ फर्स्ट पोजीशन। क्या बात है, क्या गेम प्ले हुआ यहाँ पे, क्या ही गेम हुआ और काफ़ी सही गेम खेला है यहाँ डब्ल्यूओडी की टीम। और यहाँ पे 4-2, 6-2, 8 और 1-9 किल्स के साथ डीओडी की टीम आई है सेकंड पोजीशन पे। टीआर जो यस की टीम थी, जो जूनियर टीम थी टीआर की, उनके 2 किल्स थे